हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड रिजल्ट आने के बाद में कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रिजल्ट के जो उनका कॉपी चेकिंग का जो भी एग्जामिनर था उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं। एक ही वजह है कि जो उन्होंने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे वो मार्क्स उनको नहीं मिले। जी हाँ, और वो बड़े चिंतित हो जाते हैं कि यार मैं इतना अच्छा लिख के आया था फिर भी मेरे मार्क्स इतने कम क्यों हो गए, मैंने तो सब सही लिखा था, ये जरूर कहीं ना कोई गलती हो गई, और वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। इसका उपाय अपने पास है। आप जैसे ही रिजल्ट आया, आज रिजल्ट आया आपके, तो 10 दिन के अंदर आपकी जो बोर्ड की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर आप जाइए। रिजल्ट के दिन से ही ये शुरू हो जाती है, 10 दिन का टाइम होता है, और इसमें आप 10 दिन तक 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी कॉपी रीचेकिंग के लिए या यूँ कहीं मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके 4 विषय, 2 विषय, 3 विषय में आप सेटिस्फाई नहीं है, तो जैसे 3 विषय हैं तो 900 रुपये लगेंगे आपके, और आप स्वयं के मोबाइल से ही कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें ई मित्र का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन जो हमने आप लोगों को पिछले वीडियोज में भी बताया है फिर बता रहा हूँ, वो ट्रिक आप अपना लीजिए और आपकी कॉपी आपके पास आ जाएगी। फिर अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, आप रिकाउंटिंग करते हैं, आप देखते हैं कि यार मेरे तो क्वेश्चन ही पूरे चेक नहीं हो रहे हैं, ये एक क्वेश्चन छोड़ दिया है, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, या इसमें इतने मार्क्स मिलने थे लेकिन ये मार्क्स इसने इस चीज़ के तो दिए नहीं है, सारी चीज़ का सोल्यूशन है हर चीज़ का। लेकिन आप संतुष्टि रखिए, पहले ध्यान से सुनिए, ये 10 दिन है 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से। अब आप ध्यान से समझना, ये अगर आपने जो किया आपके मार्क्स बढ़े, और मान लीजिए आपके टोटल खर्च आया, मान लीजिए किसी बंदे ने 1800 रुपये लगा दिए पूरे, क्योंकि 6 विषय के चेक करवा लिए, तो ये 1800 रुपये जो उसके लगे ये पैसे उसको वापस मिलेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 1800 रुपये आपके वहाँ पर जब्त हो गए क्योंकि आप सही थे, 1800 रुपये आपको वापस मिलेंगे, साथ ही आपको न्यू मार्कशीट भी मिलेगी। ये मार्कशीट अब बेकार हो गई जो आपने रिजल्ट में देखी थी, हालांकि स्कूल में आएगी तो ये भी, लेकिन आपको नई वाली मिलेगी, आपको ओल्ड वाली काम में नहीं लेना है, आपको नई वाली काम में लेना है जो कि चेंजों के आई है। ओके, ये क्वेश्चन कई बच्चों ने पूछा था, उसका जवाब मिल गया होगा। अब स्क्रूटनी समीक्षा बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं समीक्षा। समीक्षा का मतलब यहाँ ध्यान से समझिए, ये आपकी कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी में ये फ्रंट पेज होता है जहाँ पर कि आपके नाम, रोल नंबर वगैरह आप लिखते हैं, नाम तो नहीं, रोल नंबर, सब्जेक्ट, डेट ऐसे लिखते हैं, इधर आपके मार्क्स होते हैं। अब ये जो आपने इधर के पेजेज में लिखा, जितने भी आपने लिखा, अगर वो जो एग्जामिनर था उसने जो कॉपी चेक की, उसने क्या किया, इधर के पेज से जो आपके 10, 12, 14, 18, 20 जितने पेज आप भर के आए उसके मार्क्स उसने यहाँ लेकर आया इधर। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन के मार्क्स वो इधर लाना भूल गया, या कम लिख दिए, या फिर उसने यहाँ जब टोटल लगाया तो ये टोटल में गलती हो गई, या फिर यहाँ सब सही कर दिया लेकिन जब उसने मार्क्स अपलोड किए आपके यहाँ पर आए थे 78, और उन भाई साहब ने जब मार्क्स अपलोड किए वो ले लिस्ट पकड़ रहे, तू बोल मैं चढ़ाता हूँ, और इन्होंने बोले 78 और उन्होंने जल्दी में 58, तो 20 अंक का अंतर आ गया। अब आप देख लीजिए ये 20 अंक आपके कम हो गए, ऐसे मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन आपके 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे पक्का। लेकिन आपको क्या करना होगा, ये जो 10 दिन के अंदर अंदर आपको स्क्रूटनी पर जाना है, होता क्या है, जैसे आप स्क्रूटनी पर जाएंगे, जो ईयर चल रहा है, जैसे वो आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ गए स्क्रूटनी, अब जो ईयर चल रहा है 20, उसके बाद जो ईयर चल रहा है वहाँ पर लिखा आएगा, अपने आप रिजल्ट आता है उसी दिन मिल जाएगा, क्लिक करोगे आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, साइंस ट्वेल्थ, आर्ट्स ट्वेल्थ, कॉमर्स 10th, जितने भी रिजल्ट हैं सारे मिल जाएंगे। आप जिस क्लास में हो उस पर क्लिक कर दीजिए, ये सीधा आपको यहाँ लेकर आ जाएगा रजिस्ट्रेशन में। अब यहाँ लेकर आ जाएगा तो यहाँ पर आपका नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी और पूरे आपका अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें आपको फिल करनी है,
इसके बाद में ध्यान से समझना, इसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे, यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, रजिस्ट्रेशन में न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब यह आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देगा, वो आप वापस से बैक चले जाइए। बैक जाने के बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, ठीक है, लॉगिन आईडी पासवर्ड ये आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर एक विंडो मिल जाएगी, इस पर आपको पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके हैं हिंदी इंग्लिश। तो आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे ये सब्जेक्ट यहाँ पर ये ग्रीन होता चल जाएगा, ये ग्रीन होता चला जाएगा। अब फिर आप उसको पे करेंगे ऑनलाइन, जैसे मान लीजिए आपने 3 या 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो आप 1800 रुपये पे कर दीजिए, ठीक है, आपका पेमेंट हो गया, आपके मैसेज आ जाएगा। अब क्या होगा, बच्चे बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ, सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? भैया तसल्ली रखो, लाखों बच्चे देते हैं तो हर बच्चे की कॉपी, आप जानते हो कितनी कॉपी इस बोर्ड के पास होती है, उस कॉपी को सर्च करना, जहाँ जिस एग्जामिनर ने जांची है वहाँ से कॉपी वापस रिटर्न आती है, फिर उस कॉपी को क्या करते हैं, ध्यान से समझना, ये आपकी कॉपी है तो कोई चेकिंग दोबारा नहीं होती है, जो एग्जामिनर ने जितने अंक दे दिए जिस क्वेश्चन में अंक वही रहते हैं, कोई उसने 4 दिए हुए तो ना तो 5 करेगा ना 3 करेगा। हाँ अगर उसने क्वेश्चन चेक ही नहीं किया, वो भूल गया, तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मान लो 5 अंक का क्वेश्चन था और उन भाई साहब ने जल्दबाजी में वो आंसर चेक करना भूल गए, तो वो 5 अंक आपके प्लस हो जाएंगे, एक तो कारण ये रहा। दूसरा मैंने रिटोटलिंग का बताया, जो उसने अपलोडिंग में मिस्टेक कर दी, रिटोटलिंग में मिस्टेक कर दी, जो भी गलती हुई है वो मार्क्स आपको मिलेंगे। अब क्या होगा कि आपको ईमेल आईडी पर आपकी कॉपी पीडीएफ, कॉपी की आंसर कॉपी की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको आपके आईडी पासवर्ड लॉगिन आईडी पासवर्ड का मैसेज बोर्ड से आ जाएगा, ये पक्की बात है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपकी कॉपी देख लेंगे, रिटोटलिंग का रिजल्ट भी आप देख लेंगे, चेंज हुआ है तो चेंज लिखा आएगा कि भाई साहब आपके 70 थे अब 75 हो गए हैं। आपकी कॉपी देख लीजिए, आपने कॉपी देखी तो 1 क्वेश्चन लेफ्ट विदाउट बीइंग चेक्ड, यानी कि कॉपी देखी तो आपने पाया कि मेरा तो क्वेश्चन है वो तो चेक ही नहीं किया, ये क्वेश्चन तो ये तो 5 अंक का था। अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने तो आपके रिजल्ट भेज दिया लेकिन आप तो सेटिस्फाई नहीं, आपने तो कॉपी देखी कि मेरे तो अंक कम है, ठीक है। आप क्या करें, टेक फोटो फॉर प्रूफ, आपने उस चीज का जो आपके पीडीएफ भेजी उसका प्रूफ के रूप में आपने पिक ले ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 100 रुपये चार्ज के साथ आपको अपलोड करना है सेम आईडी पासवर्ड जो आपको मिले थे, जिसे आपने कॉपी अपलोड की थी, वहां पर स्क्रूटिनी पर जाना है वापस, यहां से ही अपलोड होगा, ठीक है। और आपको क्या होगा, जब वो देखेंगे हाँ यार ये तो पूरा ही चेक ही नहीं कर रखा, छोड़ रखा है, बच्चे के 5 अंक कम है, ये तो 75 थे आपके, नहीं इसके 5 अंक तो मिलेंगे आपको, योर मनी जो 300 रुपये आपने दिए थे, 100 रुपये जो कि आपने ये अभी अपलोड किया था फोटो तब दिए थे, तो 400 हो गए, तो विल बी रिटर्न टू यू विद न्यू मार्कशीट, आपको पैसे भी देंगे और आपको मार्कशीट भी देंगे बड़े हुए अंक के साथ में। तो आपको मेरे हिसाब से देर नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि मेरे अंक उतने नहीं है। हाँ मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे ने 98 अज्यूम कर रखे हैं कि मेरे 98 आ जाएंगे और उसके 90 और 92, 93, 95 इस बीच में हैं, तो प्लीज़ आप इसके लिए न जाएं, क्योंकि क्या होता है हर एग्जामिनर का अंतर होता है, जो सॉफ्ट चेकर होता है वो छोटी मोटी मिस्टेक में मार्क्स नहीं काटता है, मार्क्स दे देता है, लेकिन किस्मत ख़राब है किसी हार्ड चेकर के पास चली गई जो कि बाल की खाल निकालने वाला है कि नहीं इसने यहाँ ए आता, इसने ई लिख दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, या यहाँ पर क्वेश्चन का अंक क्रम लिखना भूल गए, उसका भी नियम है -1 काटने का, हो सकता है वो नियम लगा दे उसका एक अंक काट ले, तो ये तो फर्क पड़ सकता है 2-4 अंक का। तो इसके लिए तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको अपने माता पिता के पैसे खर्च करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है जैसा मैंने बताया कि आपको 10 15 20 या बहुत ही आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम अंक आए हैं, तो प्लीज़ फिर आप समय मत खराब कीजिए, 10 दिन तक 300 रुपये है, इसके बाद में
पाँच दिन और मिलते हैं लेकिन फिर चार्ज बढ़ जाता है, फिर 600 रुपये पर सब्जेक्ट हो जाते हैं, ये विशेष ध्यान रखें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको तो 10 दिन में ही के अंदर अंदर ही आप अप्लाई कर दें तो आपको 300 रुपये लगेंगे, नहीं तो 5 दिन बाद और बोर्ड टाइम देता है, फिर 600 रुपये लगते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको परेशानी हो प्लीज़ आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए और जो भी आपकी हेल्प होगी मैं पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।